बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर बसपा सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने जमकर बीजेपी और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखते हुए लिखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, ये तो कांग्रेस ने भी किया था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है, भारतीय संविधान दिवस पर संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव का नाम जपना रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यही छल कांग्रेस पार्टी भी हमेशा से करती आई है, बल्कि केंद्र व राज्य सरकारों को संविधान की जनहिताय जन कल्याण की सही मंशा के हिसाब से पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करना होगा, यही मेरी सभी सरकारों को सलाह है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। इसी मौके पर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अगुवाई में भारतीय संविधान को भारत के लिए लागू किया गया था। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगुवाई में इसे अपनाया गया था, जिससे हम भारतीयों को समानता सम्मान से जीने का अधिकार मिला। लेकिन मौजूदा में सत्ता में इसकी मौलिकता पर हो रहा प्रहार हमें एकजुट होकर इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करता है। अखिलेश यादव ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे संविधान पर प्रहार को लेकर पूरे देश को एकजुट होने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि वर्तमान चल रही महाराष्ट्र में उठा पटक के मामले पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार संविधान की हत्या बंद करो जैसे नारे संविधान के संसद के भवन के अंदर लगा रही है। एपीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ, नई दिल्ली। अमित अरे चल ठीक है, चल अगर सामने भेजो तो रख दिया चलो।